सो हेलो गाइस, वेलकम टू द आरके एडिट्स। तो गाइस आज हम करने वाले हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल फोटो एडिटिंग। सो गाइस फोटो एडिटिंग में क्या होगा, कैसे होगा, सब हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फोटो एडिटिंग की तरफ गाइस, तो चलते फटाफट से। तो गाइस देख सकते हो ये बैकग्राउंड लेना, ये सारे बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे गाइस, डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो। तो गाइस क्या करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ऐड फोटो के अंदर, इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने जो मॉडल है बॉय मॉडल उसका फोटो लेना है गाइस। तो हम बताते हैं बॉय मॉडल का फोटो लेकर, तो ऐड फोटो पर क्लिक करके ऐड कर लिए इस तरह से, देख सकते हो इस तरह से हो गया। करने के बाद क्या करना होगा, आप इरेजर के ऑप्शन पर जाना है गाइस। इरेजर के ऑप्शन पर जाने के बाद क्या करना है बताते हैं आपको। इरेजर पर जाने के बाद पर्सन पर टैप कर देना, पर्सन पर टैप करने के बाद क्या करना है गाइस आपको बताते हैं। इस तरह से पर्सन कटआउट होकर आएगा, ये देख सकते हो प्रॉपरली आ चुका है, पर्सन तो कट चुका है, बट हमको और भी कुछ कट करो, और भी कुछ लेना है। तो क्या लेना है गाइस बताते हैं, प्ले स्टोर पर जाते हैं, साइज मेंटेन करते हैं और देख सकते हो इस तरह से हमको ये पर मतलब ये थोड़ा सा आउट एरिया लेना है जिसमें हमारा मॉडल बैठा है, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ही लेना है, इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो ये तो बहुत है, काफ़ी है। करने के बाद राइट पर क्लिक करने का, इस राइट पर क्लिक करा और इसको इस तरह से पीछे की साइड इंसर्ट कर दिया, थोड़ा साइज छोटा करते हैं इस तरह से, इस थोड़ा बड़ा इस तरह से गाइस परफेक्टली ऐड कर देना है। तो गाइस आपको बताते हैं इस तरह से, फिर आपको राइट पर टैप करना है गाइस इस तरह से, फिर ऐड फोटो पर क्लिक करना है, अपनी गर्ल्स मॉडल का फोटो लेना है गाइस। तो गर्ल्स मॉडल का फोटो ले लेते हैं अपने, जो भी आपका गर्ल्स मॉडल है आपकी वो ले लेना है फोटो। तो इस तरह से हमारी गर्ल्स मॉडल है, इसको लेना है, इसको थोड़ा जूम करना है इस तरह से, जूम करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद आपको करना है इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद सॉरी इरेजर पर जाना, साइज फोटो मेंटेन करना, उसको इस तरह से इरेज कर देना इतना, फिर राइट पर क्लिक करना, अपॉर्चुनिटी इसको कम कर देना कितनी 79% और टर्न कर देना। राइट क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा फोटो। फिर गाइस आपको करना है, इधर आपको स्टिकर पे जाना है, इधर आपको देखो मैं बता दूँ प्रीमियम पे जाना है, प्रीमियम पे जाओगे आप थोड़ा देख सकते हो माय नैनो वैलेंटाइन इस तरह से ऑप्शन आएगा, उस पर आपको देखिए ये मिलेगा, ये हैप्पी वैलेंटाइन डे इस तरह से नैनो का मिलेगा, इस तरह से आपको मेंटेन करके रख लेना है गाइस, देख सकते इस तरह से रखना है परफेक्टली। तो गाइस परफेक्टली रख लेते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं, करने के बाद देख सकते हो इस तरह से फोटो रेडी हो गया। फिर गाइस हमको और भी कुछ चीज़ें लेना है, क्या करते हैं स्टिकर फिर से जाते हैं, जाने के बाद आपको एक चीज़ और लेना है, उस पर स्टिकर पर जाने के बाद आपको एक और ऑप्शन, एक और स्टिकर लेना है, कौन सा लेना है हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हो जी है आई लव यू वाला स्टिकर, ये वाला ले लेना है, बस ले लेते हैं। लेने के बाद कुछ इस तरह से होगा, देखो इस तरह से आके इसको इस तरह से थोड़ा छोटा और करते हैं, इधर मेंटेन करके रख लेते हैं। रखने के बाद क्या करना है आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा उस पर जाना है, ब्लैक कलर कर देना है, फिर आपको मिलेगा बॉर्डर का ऑप्शन उसको करना है, उसका रेड कलर कर देना है थोड़ा कम, फिर आपको शेडो पर जाना है, शेडो पर जाने के बाद उसको इसकी ब्लर है उसको कम करना है, कम कर देते हैं और इसको फुल कर देते हैं। करने के बाद आपको पोजीशन पे जाना होगा, पोजीशन पे उसको 0 0 100 100 करना है सॉरी। करने के बाद इस तरह से आएगा, आपको पोजीशन का शेडो चाहिए वो ले सकते हो, मुझे चाहिए रेड, तो रेड ले लेती हूँ, रेड ब्लर आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, राइट पर क्लिक कर देना, इस तरह से रेड हो जाएगा। फिर आपको जाना है फिर स्टिकर पर जाने का, स्टिकर पर जाने के बाद आपको सर्च बार पर जाना है, क्लिक करना है इधर बर्ड्स, तो हम सर्च करते हैं BIRDS बर्ड्स, सर्च करते हैं, तो फिर सर्च करते हैं फटाफट से, तो कुछ इस तरह से बर्ड्स आएगी, ये वाली बर्ड्स लेनी है हमको सॉरी, इस तरह से लेने के बाद इस तरह से मेंटेन करना है इसको, इसकी अपॉर्चुनिटी, इसकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम कर देना है। करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर देना है, सॉरी डुप्लीकेट करोगे थोड़ा साइज छोटा करके इधर भी मेंटेन कर लेते हैं और अपॉर्चुनिटी इसकी कम कर देते हैं। फिर एक और इसमें ले लेते हैं, एक और डुप्लीकेट करके, लेने के बाद इस तरह से इसको इधर भी एडजस्ट कर लो, सबको बता दें इस तरह से एडजस्ट होकर राइट क्लिक कर लिया। फिर आपको एक स्टिकर और लेना है, इस पर जाना है, जाने के बाद आपको लेना है ये वाला स्टिकर, हम आपको बता दें एक मिनट, देखिए गाइस ये स्टिकर मिल जाएगा आपको लिपस्टिक कॉम्बिनेशन पे, ये वाला स्टिकर चाहिए आप देख लीजिएगा मिल जाएगा, इसको थोड़ा साइज छोटा कर लीजिएगा, साइज छोटा करते हुए डुप्लीकेट हो गया गाइस, इसको थोड़ा हटा देते हैं, हटाने के बाद प्रॉब्लम आ रही गाइस इस तरह से हट गया। फिर ये स्टिकर उसको इस तरह से मेंटेन कर देना है, फिर राइट पर टैप करना है, राइट पर टैप करने के बाद इस तरह से रेडी हो जाएगा। फिर आपको एड फोटो पर टैप करना है, टैप करना है, टैप करने के बाद एक रोज की PNG लेनी है, ये सारी PNGs आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, तो ले लेनी है ऐड कर देंगे। करने के बाद इस तरह से इसको छोटा करना है, जूम कर देते हैं, ठीक है इरेजर पे जाते हैं, अपनी हैंड पे से पहले सारा उठा लेते हैं, देखिए गाइस इस तरह से, प्री स्टोर पे जाते हैं, इस तरह से इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखिए गाइस जूम करके अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं गाइस, इस तरह से हो गया, देख सकते हो गाइस इस तरह से एडजस्ट हो गया। राइट पर टैप करना है गाइस, आने के बाद ऐड फोटो में फिर टैप करना है, एक रोज प्लेट्स की अपन को PNG लेनी है, तो ये वाली ले लेनी है, ये सारी PNG आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, लेने के बाद क्या करना है गाइस इस तरह से थोड़ा बड़ा करना है,
इस तरह से रखना है, उसकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम कर देना, फिर डुप्लीकेट करके एक और बार इसको ले लेना और इधर रख लेना है, देख सकते हो इधर, और राइट टैप कर देना। तो बस ऐड फोटो पे जाते हैं, ऐड फोटो पे जाने के दोबारा से ये वाला शेडो ले लेते, ऐड ओके कर देते, तो शेडो इधर रखा देते, इसकी अपॉर्चुनिटी और कम कर देते हैं, देख सकते इस तरह से ऐसे की मिरर, ऐसे इसको थोड़ा सा और छोटा, इसका जो है अपॉर्चुनिटी तो हमने कम कर दी है। इरेजर पे जाने के बाद आपको थोड़ा और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर लिए, इस तरह से करने के बाद नीचे से जो लाइन लाइन दिख रही है इसको कटआउट कर देना है, करने के बाद इस तरह से लगेगा फोटो हमारा। फिर आपको जाना है, सॉरी कुछ गाइस गलत हो, फिर इसको डुप्लीकेट कर देना गाइस, डुप्लीकेट करने के बाद इसको करते हैं बड़ा, इरेजर पे जाने के बाद इसको रिस्टोर करके इस तरह से बड़ा कर देते हैं, फिर फिल कर देते, इस तरह से रखते हैं फोटो के नीचे और हो गया गाइस, इस तरह से देख सकते हैं आप हो गया। अब आपको इस फोटो को कर लेना सेव, तो क्या सेव करने के बाद क्या करना है आपको बता देते हैं, लाइट रूम मैप पे ले जाना है, फिर उसके बाद आधी एडिटिंग हमारी लाइट रूम मैप पे होगी, तो चलते फटाफट से इस फोटो को ले आए लाइट रूम मैप पर, तो चलते हैं आगे सेटिंग्स की तरफ। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लाइट का ऑप्शन लेगा, उस पर जाना है, उसकी कंट्रास्ट है उसको बढ़ा देना 32%, और हाईलाइट है उसको इंक्रीज करना है 28% इंक्रीज कर देना है, फिर आपको शेडो मिलेगा इसको माइनस करना है 42% माइनस कर देना है इसको, फिर अपनी वाइट्स आएगी उसको इंक्रीज करना है 32%, फिर आपको ब्लैक मिलेगा उसको थोड़ा सा माइनस, जैसे हमने 32 कर देते हैं, तो बस 32 कर दिया 31 तक। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है कलर वाले के, कलर पे जाने के बाद तो बस मिक्स के ऑप्शन पे चले जाना है, इस तरह से आपको करना है हमारा रेड कलर आएगा इसको प्लस कर देना है, प्लस करा इसकी जो ल्यूमिनस है उसको माइनस करा, ज़्यादा नहीं करना है कम ही करना है, प्लस करा सॉरी गाइस। फिर आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन जो फेस कलर है उसको माइनस कर दिया, हमारा फेस शार्प होगा, देख सकते हो इस तरह से फेस है, इस तरह से फेस हो जाएगा, इसको करोगे तो और अच्छा लगेगा लगने के बाद, आप देख सकते हो इस तरह से आएगा। सेकंड येलो कलर उसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, तो गाइस इस तरह से, फिर ग्रीन आएगा उसको भी अच्छे से एडजस्ट करते हैं, फिर आपको ये स्काई ब्लू इसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी बैकग्राउंड का कलर है, तो इसको एडजस्ट करते गाइस, तो देख सकते हो इसकी सैचुरेशन इसको माइनस करा और ल्यूमिनस इसको माइनस करा, तो सैचुरेशन को थोड़ा प्लस कर दिया गाइस 58% प्लस कर, ल्यूमिनस को माइनस कर दिया, देखिए 23% माइनस करा, ब्लू आएगा उसको थोड़ा प्लस करा और इसकी जो ल्यूमिनस है उसको प्लस कर दिया कितना 34%। फिर आपको जाना है ये पर्पल कलर इसको अच्छे से मेंटेन करना है, एडजस्ट करने लाए, और जो येलो कलर है इसको अच्छे से एडजस्ट करना है क्योंकि ये देख सकते हो हमारे मॉडल के जो हेयर है वो येलो हो चुकी है, तो उसको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, बस एडजस्ट हो गया। होने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन डन कर देना, नेक्स्ट ऑप्शन चलते इफेक्ट वाले पे, उसको क्या करना है टेक्चर है इसको प्लस कर देना है 20 तक 80-20, फिर क्लैरिटी आई गई इसको प्लस करना है 35 तक, सॉरी 30 तक कर देते गए, डीएच को इसको प्लस करना है 70 तक, और बिगनिंग हेट को माइनस करना है 30% तक, 30 नहीं करना तो आप 50 कर देना, आप अपनी फोटो के अकॉर्डिंग करना। फिर आपको आएगा डिटेल, इस तरह से जूम करते हैं तो देख सकते हो हमारे मॉडल है उसका चेहरा देख सकते हो कितना अच्छा नहीं लग रहा है, कितना डर्टी लग रहा है, पर इसको प्लस करते हैं तो देख सकते हो कितना बढ़िया स्मूथ फेस हो जाएगा, इस तरह से गाइस देख सकते हो बढ़िया तो हो गया है। होने के बाद गाइस करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो है ओपीटी, इसको दोनों को ओपन कर देना और देख सकते हो इस तरह से जाएगा, फाइनली देख सकते हो हमारा फोटो एडिट, सॉरी गाइस फोटो एडिट हो चुका है, तो फाइनली हमारा फोटो इस तरह से अच्छे से एडिट एडिट हो चुका है। अगर आपको फोटो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइस। तो चलते हैं।